हाय फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है राफ्ट फाउंडेशन रीइंफोर्समेंट विद स्टड बोल्ट फॉर कॉलम्स। यहाँ पे कॉलम आ रहे हैं रीइंफोर्समेंट, आप देख सकते हैं कंप्लीट राफ्ट फाउंडेशन की, और राफ्ट फाउंडेशन के अंदर कुछ कॉलम आ रहे हैं। कॉलम के लिए हमने स्टड बोल्ट फिक्स किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं प्लाईवुड के छोटे से पीस के ऊपर हमने सुराख करके इसके अंदर फिक्स किए गए हैं, और टॉप और बॉटम से इसको प्रॉपरली फिक्स किया गया है। इसको प्लाईवुड में इसलिए फ़िक्स किया गया ताकि ड्यूरिंग कास्टिंग इसकी लोकेशन वो डिस्टर्ब ना हो सके, और जब कंक्रीट कास्ट हो जाए, राफ्ट फाउंडेशन कास्ट हो जाए, उसके बाद यहाँ पे जब कॉलम इंस्टॉल करेंगे तो कॉलम के अंदर जो प्लेट्स ऑलरेडी कास्ट हुई होंगी तो इन स्टड्स के अंदर इंसर्ट हो जाएगी, और उसके बाद इसको बोल्ट के थ्रू इसको फ़िक्स किया जाएगा। तो लोकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोकेशन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए कास्टिंग के दौरान। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट राफ्ट फाउंडेशन का जो रीइंफोर्समेंट है कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे कुछ कॉलम्स आ रहे हैं। मेन एंट्रेंस में दोनों साइडों पे एक कॉलम आ रहा है, एक उधर आ रहा है, लेफ्ट और राइट साइड पे आ रहा है, और बाकी ये पांच कॉलम सेंटर में बिल्डिंग में आ रहे हैं। ये कंप्लीट जो है ना प्रीकास्ट बिल्डिंग बनेगी, और रीइंफोर्समेंट मुकम्मल हो चुका है, और कास्टिंग के लिए एरिया रेडी है, पूरा क्लीन कर दिया गया है। इस बिल्डिंग के कॉर्नर पर स्विमिंग पूल आ रहा है, स्विमिंग पूल का जो है ना वो अभी काम बाकी है, और जो एरिया रेडी है यहाँ पे हम राफ्ट कास्ट करेंगे। राफ्ट फाउंडेशन की जो थिकनेस है वो है 30 सेंटी, और जहाँ पे कॉलम्स आ रहे हैं, जहाँ पे स्टड बोल्ट फिक्स किए गए, यहाँ पे 70 सेंटी इसकी डेप्थ है राफ्ट फाउंडेशन की। ये आप देख सकते हैं 70 सेंटी है। स्पेशली कॉलम वाली एरिया में इसके जो डेप्थ है वो ज़्यादा है, क्योंकि लोड आएगा यहाँ पे, इसलिए कॉलम इंस्टॉल करने के लिए इसका जो स्पेशल डिज़ाइन है, यहाँ पे थिकनेस जो है ना वो राफ्ट फाउंडेशन की वो 70 सेंटी है, जबकि नॉर्मल एरिया में इस राफ्ट फाउंडेशन की 30 सेंटी थिकनेस है। ये आप देख सकते हैं 5 सेंटी नीचे कवर है, 5 सेंटी टॉप पर कवर आ जाएगा, और 30 सेंटी इसकी थिकनेस होगी राफ्ट फाउंडेशन की। राफ्ट फाउंडेशन की जो टॉप लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए ये जो आप देख सकते हैं डावल्स लगे हैं, डावल्स के ऊपर टेप लगा दी गई है। ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टॉप लेवल जो है ना वो शो करवा रहा है राफ्ट फाउंडेशन का। ये आप देख सकते हैं सारे डावल्स लगे हुए हैं, ये प्रीकास्ट बिल्डिंग है, और इसके अलावा कुछ एरियाज़ में जहाँ पर डावल नहीं है, यहाँ पर स्टिक्स जो है ना वो स्टील की वो प्रोवाइड की गई हैं, उसके ऊपर टेप लगा दी गई है। ये आप देख सकते हैं ड्यूरिंग कास्टिंग हम जो है ना टॉप ऑफ लेवल जो राफ्ट फाउंडेशन का लेवल है उसको मेंटेन रख सकते हैं। जो स्पेशल कॉलम वाला एरिया है यहाँ पे थिकनेस राफ्ट की ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे स्पेशल पिट जो है ना वो बनाया गया है। नीचे PCC कास्ट हुई हुई है, उसके ऊपर रीइंफोर्समेंट कम्प्लीट जो है ना वो इंस्टॉल हो चुका है। इस साइड पर स्विमिंग पूल आ रहा है, स्विमिंग पूल का भी काम थोड़ा बाकी है, इसमें वाटर प्रूफिंग अभी रिमेनिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पे राफ्ट का कास्ट नहीं कर रहे। जब ये वाटर प्रूफिंग कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर यहाँ पे स्टील इंस्टॉल करके प्रोटेक्शन सक्रीट कास्ट करके ताकि वाटर प्रूफिंग डैमेज ना हो, उसके ऊपर फिर जो है ना वो रीइंफोर्समेंट इंस्टॉल की जाएगी। Thank you for watching. If you like this video, please subscribe my channel and share to your friends. See you in the next video.